हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम तंवर। मैं आपका न्यू व्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, सुबह के बजे है 6:30। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही जगी हूं और बाहर नहीं गई हूं क्योंकि गला खराब है और बाहर है सर्दी, तो गले में कुछ हो गया आज, हल्का सा सर्दी का सा असर, तो बाहर नहीं गई हूँ और करती हूँ अपनी वीडियो की शुरुआत, कर लेती हूँ सुबह के काम शुरू। तो पानी वगैरह तो मैंने पी लिया है सुबह ही और अभी लगा लेती हूँ झाड़ू, उसके बाद बिस्तर उठाऊंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और जो भी बनेगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। करते हूँ अपने काम की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं किचन में झाड़ू ही लगाती और उसके बाद मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पर ये थैले वगैरह पड़े हुए थे और डब्बे इधर उधर हो रखे हैं। ये है चीनी का डिब्बा, चीनी इसमें अभी ख़त्म हो रखी है, अभी भरूंगी झाड़ू वगैरह करने के बाद। और थोड़ा सा सेट करने के बाद लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि शाम मैंने कुछ किया होगा तो ऐसे ही सब छोड़ रखा है, इधर उधर बिखरा हुआ। और ये थैले पॉलीथीन सब उठाकर रख देती हूँ पहले और उसके बाद लगा लेती हूँ झाड़ू।
फ्रेंड्स झाड़ू तो लगा के आ गई हूँ रूम में और अभी उठा देती हूँ ये बिस्तर पहले। और मैंने अभी स्वेटर नहीं डाला है क्योंकि झाड़ू लगाने में थोड़ी गर्मी लगती है, तो इसलिए अभी स्वेटर नहीं डाला है। बिस्तर वगैरह उठा के उसके बाद जाऊंगी किचन में, उससे पहले स्वेटर टोपा सब लगा के जाऊंगी क्योंकि बहुत सर्दी हो जाएगी। और सुबह सुबह इतनी नहीं लग रही थी क्योंकि झाड़ू लगाने में थोड़ी गर्मी जैसी लगती है, इसलिए अभी बिस्तर तो मैंने रख दिए हैं। और बेड शीट को भी झाड़ कर साफ कर देती हूँ और बेड की कर देती हूँ डस्टिंग। तो लगा दी है पूरे घर में, पूरा घर हो गया है साफ। अभी बना लेती हूँ चाय। फ्रेंड्स यहाँ पर आ गई हूँ, कैप लगा ली है और स्वेटर भी डाल लिया है, रख देती हूँ चाय बनाने के लिए। दो कप चाय बनाऊंगी तो यहाँ पर मैं एक कप पानी ले लूँगी, एक कप दूध डालूंगी। तो यहाँ पर ले लिया है पानी और फटाफट से डाल देती हूँ तुलसी के पत्ते, चाय की पत्ती, चीनी और अदरक। और पानी में बॉयल यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर सारी चीज़ें डाल दी हैं क्योंकि गला थोड़ा ख़राब है। वैसे भी मैं बिना तुलसी के पत्ते के बिना अदरक के चाय नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पर दो कप चाय बनानी है तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 चम्मच चीनी डाल दी है। चाय बहुत ज़्यादा मीठी हम लोग नहीं पीते हैं। अभी अदरक भी डाल देती हूँ, अदरक थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि मेरा गला ही ख़राब हो रखा है, पता नहीं किस वजह से होगा। रात बाजरा की रोटी खाई थी, कड़ी बनाई थी मैंने, उसकी वजह से कैसे 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 हुआ पता नहीं। और यहाँ पर सारी चीज़ डाल दी है और बहुत अच्छे से बॉयल आ रहा है और दूध भी आ चुका है, तो कच्चे दूध की बनाऊंगी चाय क्योंकि कच्चे दूध की चाय बहुत अच्छी बनती है। चाय वगैरह पीने के बाद फिर से बनाने लगी हूँ यहाँ पर सब्ज़ी, तो सब्ज़ी बनाऊंगी आज बॉयल आलू की। बच्चों को बॉयल आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मसाला पीस लिया, थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट के लायक, नाश्ता हो जाएगा, बस इतनी सब्ज़ी बनाऊंगी 2-3 कटोरी। तो यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज अदरक का सबका पेस्ट बना के और फ्राई कर लिया है और डाल दी है थोड़े थोड़े सारे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर डाल दिया है नमक। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी और उसके बाद डाल दिए हैं मटर, टमाटर। मटर मेरे पास थोड़ी ही थी तो थोड़ी टमाटर, थोड़ी मटर, वैसे सब्ज़ी भी मुझे बहुत थोड़ी ही बनानी थी। और थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि मटर और टमाटर को गलाना पड़ेगा, आलू तो बॉयल है तो सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाएगी। यहाँ पर सारी चीज़ों को सॉफ्ट सा कर लिया मैंने, टमाटर मटर को पका लिया, उसके बाद आलू भी डाल दिए हैं, इनको भी मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखी सब्ज़ी हम लोगों को नहीं पसंद है। और यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा पानी, थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी जैसे भंडारे में बनती है ना। और खटाई नहीं डाली है आमचूर पाउडर क्योंकि मेरा गला है थोड़ा ख़राब। यहाँ पर थोड़ा पानी और डाल दिया है और सब्ज़ी को रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। सब्ज़ी को रख देती हूँ पकने के लिए। यहाँ पर सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार, तो मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा गर्म मसाला इसमें और सब्ज़ी हमारी हो गई है टेस्टी सी बनके तैयार। और यहाँ पर ये उठा ली है मैंने बाल्टी, इसमें रखा हुआ है चीनी का पैकेट, डब्बे में चीनी ख़त्म हो रख गई है और मुझे बच्चों के दूध में चीनी डालनी है, इसलिए पहले चीनी पलट लेती हूँ। तो चाकू से इस पैकेट को काट लूँगी और इस डब्बे में इस चीनी को फिल कर दूँगी। इसी डब्बे में रखती हूँ चीनी, इसमें 6-7 किलो चीनी आ जाती है, और लेकिन अभी ख़त्म हो रखी थी तो मुझे याद आ गया कि पहले चीनी ही खिला लेती हूँ क्योंकि चीनी अभी जो डेली यूज़ का डब्बा है उसमें भी ख़त्म हो रखी है। यहाँ पर चीनी का पैकेट मैंने खिला लिया है डब्बे में। और यहाँ पर इन
को दे देती हूँ नाश्ता। तो पराठे बना लिए हैं चाय चटनी सब्जी के साथ। ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया था, आलू मटर टमाटर उबले हुए आलू की सब्जी बनाई थी। वैसे बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे ही नहीं पसंद है बॉयल आलू की सब्जी, लेकिन इन लोगों को पसंद है तो आज मैंने बना दी है। भंडारे वाली सब्जी बोलते हैं ना, इसलिए हल्का सा गर्म मसाला डाल दिया। अमचूर पाउडर नहीं डाला क्योंकि गले खराब है और खटाई ज्यादा नुकसान करती है। लगभग 9 बज चुके हैं, किचन को मैंने साफ कर दिया है, बर्तनों को इकट्ठा कर दिया है, बर्तन अभी साफ नहीं किए हैं और ब्रेकफास्ट बना के रख लिया है। ये ही करके गए हैं क्योंकि आज है सैटरडे, सेकंड सैटरडे बच्चों का ऑफ होता है, तो बच्चे अभी लेट ही जगे हैं। इतने बच्चे नहाएंगे धोएंगे, एक तो नहाकर हो गए तैयार, इनको दे देती हूँ ब्रेकफास्ट। दूध भी गर्म करके रख लिया है इन लोगों का और करती हूँ आगे के काम। तो मुझे करनी है अभी पहले प्रेस, उसके बाद ही पोछा वगैरह लगाऊंगी। ये नए कपड़े रखे हुए हैं, इन पर प्रेस करनी है क्योंकि ये आज पहली बार ही पहने जाएंगे। ये बुलंद जैकेट है तो इन सबको पहले प्रेस कर देती हूँ। क्योंकि ये जाने वाले हैं कहीं और प्रेस करके रख देते हैं ना, किनारी जैसी बन जाती है, इसलिए आज भी करनी पड़ेगी ताज़ा ताज़ा प्रेस। ये न्यू कपड़े हैं और ये टेलर के से आए थे कुछ दिन पहले, तो ये ऐसे ही तह भरे हुए रखे हुए थे, गुजले गुजले से हो जाते हैं ना जब पहनते हैं, तो जब भी मैं एक बार इन पर प्रेस कर देती हूँ। और ये आज जाने वाले हैं कहीं तो अभी कर देती हूँ प्रेस। इनकी जैकेट पर भी करनी है, तो जैकेट को मैंने डेली डेली तो नहीं वॉश करती हूँ, इसको ड्राई क्लीन पर जाती है कभी कभी और इस पर ऐसे ही पानी के छींटे मारती रहूँगी। तो पैंट पर मैंने करती है अभी शर्ट की आप हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुजली गुजली हो जाती है, कॉलर भी मुड़ा मुड़ा है और बाजू आप देख सकते हैं बाजू पे ऐसी बहुत ज़्यादा होती है, तो कॉलर को भी सीधा कर देती हूँ और बाजू वगैरह सब पर पानी के छींटे मार मार कर दूँगी। इन पर प्रेस बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे फिर ये कपड़े। तो ये कॉलर पे तो मैंने कर दी है और इसकी बाजू बहुत ज़्यादा गुजली हुई आप देख सकते हैं, देखो ये। तो यहाँ पर मैं पानी के छींटे मारूँगी, थोड़े ज़्यादा पानी डालती रहूँगी और कर दूँगी प्रेस, बिल्कुल अच्छे से हो जाती है फिर। पूरी शर्ट को मैंने अच्छे से खोल लिया है और ऐसे ही पानी डाल कर बहुत अच्छे से जमा कर दी है प्रेस पूरी शर्ट पर, इस तरीके से ही कर दिया है। ये जैकेट भी अभी 2 दिन पहले पहनी थी तो मैंने ऐसे ही इसको धूप लगा ली है और पानी के छींटे मार मार कर इसको भी इकसार कर दूंगी, क्योंकि पानी के छींटे से ना कपड़ा बिल्कुल इकसार हो जाता है और जब इसको पहनते हैं तो बुलंद है थोड़ी सुकड़ी सुकड़ी सी हो जाती है। पानी के छींटे मारने से कॉटन का कपड़ा भी इकसार हो जाता है, और कोई भी कपड़ा हो पानी के छींटे से प्रेस करते हैं पानी के छींटे लगा लगा कर तो बहुत इकसार हो जाता है और बिल्कुल नया सा दिखता है। तो यहाँ पर मैंने इस जैकेट को भी सीधा करके भी प्रेस कर दी है और आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू जैसी फिर से हो गई है ये तैयार। पानी के छींटे से एक तो हल्की फुल्की गंदगी होती है वो भी हट जाती है ना, और बिल्कुल बढ़िया से सारे कपड़ों को मैंने कर दिया है तैयार। एक लेडीज़ की भाई यही जिम्मेदारी होती है। और अभी बेटे को दे देती हूँ ब्रेकफास्ट, अभी दूसरा नहा के नहीं आया है तो इस बेटे को तो दे दिया है ब्रेकफास्ट। प्रेस तो मैंने कर दी है इन कपड़ों पर और यहीं तक थी आज की ये वीडियो। आपको कैसी लगी जरूर बताना, थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।